नीमच के लीड कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी है और कॉलेज कहीं ना कहीं अतिथि विद्वानों के भरोसे ही चल रहा है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विषय को लेकर तो यहाँ स्थिति और भी खराब है। इस विषय को लेकर एकमात्र अतिथि विद्वान है जिनके भरोसे कॉलेज के 900 छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में वे भी पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ज्यादातर समय क्लास ही नहीं लग पाती है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस मामले में अपनी बेबसी जाहिर करते हुए शासन स्तर पर ही इस मामले में कुछ किए जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। जी बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। आरसी वर्मा जो सर है उनके ऊपर तो प्रकरण दर्ज हो गया है और 2,500 जो बच्चे हैं उनके क्लास अटेंड नहीं हो रही उनसे राजनीति विज्ञान की। तो ऐसे में क्या है कि वो बहुत वंचित हैं क्लास अटेंड करने से और बहुत परेशान भी हो रहे हैं वो। और अभी तो मतलब कुल मिला के ये प्रिंसिपल के भरोसे ही चल रहा है कॉलेज। तो मैं तो मांग करता हूँ या निराकरण करना होना चाहिए इसका, कुछ भी जल्दी से जल्दी निराकरण हो ताकि उससे क्या है कि बच्चों को शिक्षा मिले और वो एटिगेटी से वंचित। हाँ जैसे एक मैडम है उनमें, तो या तो मैडम को लाओ या फिर किसी अतिथि शिक्षक है उनको अटैच करो। किसी भी तरह से जोन से लगे जो फैसला लगे उनको अटैच करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण। देखिए मुझे जानकारी लगी है कि अभी महाविद्यालय के अंदर राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसके लिए कभी 2,500 बच्चे बीए में एडमिशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक प्रोफेसर जो भी महाविद्यालय में अभी फरार चल रहे हैं छेड़खानी के आरोप के अंदर, और एक प्रोफेसर हैं जो अभी जिनको उज्जैन अटैच कर रखा है करीब 4-5-6 महीनों से, और एक भरोसे के एक टीचर के भरोसे महाविद्यालय चल में वो क्लासेस चल रही है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि कहीं ना कहीं अगर उन जो सर हैं 6 महीने जो उज्जैन अटैच है उन्हें जल्द से जल्द नीमच बुलाया जाए और नहीं तो कई और अतिथि विद्वान की पूर्ति की जाए, क्योंकि छात्र परेशान हो रहे हैं और जल्द से जल्द इस मांगों को पूरा नहीं होता है तो विद्यार्थी उग्र आंदोलन बाध्य हो। ये बात सही है कि महाविद्यालय में 54 पद हैं और 22 ही नियमित प्राध्यापक हैं और बाकी के सब हम अतिथि विद्वानों से काम चला रहे हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर हमारे यहाँ 3 पद हैं और एक प्रोफेसर का है और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर आरसी वर्मा सर यहाँ पदस्थ हैं, पर अभी कुछ घटनाक्रम की वजह से वो अवकाश पर हैं, इस वजह से उनकी अभी पढ़ाई हो नहीं रही है। और जो 2 अतिथि विद्वान हैं उनमें से एक अतिथि विद्वान को उज्जैन उच्च शिक्षा विभाग ने वहाँ उनकी सेवाएं ली जा रही है, तो हमारे यहाँ एक अतिथि विद्वान की कमी हो गई है। तो हमने उच्च शिक्षा विभाग को इस चीज़ से अवगत करा दिया है कि भई विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कारण से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पर अभी निकट भविष्य में जो हमें बताया गया कि लोक सेवा आयोग से 2500 प्राध्यापक चयनित हुए हैं और शीघ्र ही उनके नियुक्तियां हो रही है और इस समस्याओं से हमको बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी।